अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। परसों से इंशाल्लाह आपका CSS 2023 का रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, और उसके लिए आई थॉट कि एक जो लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाएँ। कमिंग टूवर्ड्स एसे द नाइट मेयर फॉर मैनी, उसमें जो मेरी आपको प्रो टिप होगी वो ये होगी कि जौन सा भी टॉपिक आपको समझ आ रहा हो या आपको लगे कि यार मुझे ये अटैम्प्ट करना चाहिए, तो उसको 1 मिनट लगा के उसको उर्दू में या जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी आती है आप उसमें ट्रांसलेट कर लें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टॉपिक को अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो आधे से ज़्यादा टॉपिक समझ आ जाता है, बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ जाता है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। दूसरी चीज़, एग्जामिनर ने जो पूछा हो, जैसे पूछा हो, जिस तरह से पूछा हो, उसको वो वैसे उस तरह से बताना है, जिसको मैं रेलेवेंस कहता हूँ कि आपने रेलेवेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इररेलेवेंट कंटेंट नहीं लिखना। ये एक गलत अंग्रेजी के बाद जो दूसरी बड़ी वजह बनती है इससे में फेल्योर की, वो इररेलेवेंट कंटेंट होता है। वो बैलेंस ऑफ रेलेवेंस को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो होता है। आपने क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स के पीछे नहीं भागना, आप 2500 से 3000 अल्फाज का ऐसे लिख के बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ जो है फेल हो सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। और आप 1500-1600 अल्फाज, 1700 अल्फाज का ऐसे लिख के बहुत आराम से आप उसको पास कर सकते हैं, ना सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि उसमें अच्छा स्कोर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में यार मैं ऐसे कैसे पूरा करूँगा, मैं 2500 से 3000 अल्फाज कैसे पूरा करूँगा, इस डिबेट में आपने या इस रेस में आपने नहीं लगना। ठीक है, आप 14-15 पॉइंट्स की या 16 पॉइंट्स की आउटलाइन बनाएं लीडिंग टू 14-15 या 16 पैराग्राफ्स या पेजेस का ऐसे, ये एक प्रैक्टिकल साइज होता है जो कि बंदा एक्चुअली एग्जाम में लिख भी पाता है। ठीक है, तो एक तो ये कीजिएगा, आपके टॉपिक को उर्दू या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है जो आपको अच्छी आती है आप उसको उसमें ट्रांसलेट कर लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जामिनर एग्जैक्ट क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, तो वो आप कीजिएगा। कमिंग टूवर्ड्स कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का जो पेपर है, इट इज़ अ हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इट हैज़ टू बी डेल्ट टेक्निकली, ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द पेपर ऑफ कॉम्पोजिशन तो टाइम मैनेजमेंट की बड़ी गेम होती है उसमें। इन वैसे तो हर पेपर में ऑब्वियसली होती है, लेकिन बड़ा सीधा सीधा हिसाब होता है कि 4 सवाल हैं तो डिवाइड बाई 4 कर दो टोटल टाइम, वो आपके पास पता लग जाएगा कितने कितना टाइम लगाना है, जो कि 30 से 35 मिनट होता है एक सवाल के लिए। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता दो पेपर्स में, कॉम्पोजिशन में और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, GSA में, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े नंबरों के बहुत ज़्यादा सवाल आते होते हैं तो आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। तो इसमें जो मेरी आपको टिप होगी, और मैं हर दफ़ा स्टूडेंट्स को कहता हूँ और उस पर पुश करता हूँ क्लासेज में भी एंड अदरवाइज भी, कि भाई आपने जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल के बाद वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो आखिरी के 40 नंबर हैं, उसको आपने पहले वाइंड अप कर लेना, द सूनर द बेटर, क्योंकि वो या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता, दरमियान का उसमें कोई रास्ता आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, करेक्शन है, या तो सेंटेंस करेक्शन आती होगी, जुमला आता होगा करेक्ट वर्जन या नहीं आता होगा, या idiom आता होगा या नहीं आता होगा, या पेयर आता होगा या नहीं आता होगा, या पंक्चुएशन आती होंगी या नहीं आती होंगी, तो उसको जितना जल्दी आप वाइंड अप कर सकते हैं उतना जल्दी आपने वाइंड अप कर लेना। जो चीज़ नहीं आ रही उसके लिए जगह छोड़ दें, फॉर एग्जांपल EDM नहीं आ रहा उस तक उस टाइम, उसके लिए जगह छोड़ दें कि यार मैं इसको देख लूँगा थोड़ी देर बाद, और एजुकेटेड गेस लगाने की कोशिश करें कि यार ये क्या इसका मतलब हो सकता है और कैसे इसका हमने जुमला फ्रेम करना है, या करेक्शन में क्या इस पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है वो करना है कॉम्प्रिहेंशन का। अमूमन 25 से 35 मिनट ऑन एवरेज में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता होता है। आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने हैं, बजाय इसके कि 3-3 दफ़ा पैराग्राफ पैसेज पढ़ें कॉम्प्रिहेंशन का समझ फिर भी ना आए, तो उससे बेहतर है कि 3 दफ़ा सवाल पहले पढ़ लेना, 3 दफ़ा सवाल पहले पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे कि पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, और फिर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से जवाबात मिल जाएंगे, और उन आंसर्स को आपने अपने अल्फाज में फ्रेम करना है। लेंथ ऑफ आंसर की आपने फिक्र नहीं करनी, एन आंसर टू अ क्वेश्चन कैन बी एज शॉर्ट एज 1 सेंटेंस, और ऐसे पास पेपर्स में आए हुए हैं कि एक जुमले में उसका जवाब होता है, एक जुमले में ही जवाब देना है। इस चक्कर में नहीं पड़ जाना कि अरे 4 नंबर का सवाल है तो मैंने कम से कम इस पर 8 लाइनें तो लिखनी है, ऐसा कोई भी असूल लागू नहीं होता। ठीक है, जो पूछा है जितना पूछा है स्ट्रिक्टली वो चीज़ आपने बतानी है, सिर्फ अपने अल्फाज में आपने उनको रिफ्रेश करना होगा। और फिर जो आखिरी सवाल है आपके पेपर का जो आप अटैम्प्ट करेंगे वो होगा प्रेसी का, उसके लिए आपके पास टू रिमेन सेफ
ठीक है, कम से कम 1 घंटा आपने स्पेयर करना है प्रेसी के लिए, और उसके लिए भी यही होगा कि आपने उसको अंडरस्टैंड करके उसकी जिस्ट को एंड ऑल दैट, जब आपने उसको लिखना है तो अपने अल्फाज में उसको रिफ्रेस करना है नंबर वन, और नंबर टू जिस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है पैसेज का, वो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द क्विक टिप्स फॉर CSS 2023 एग्ज़ाम। विशिंग यू गाइज वेरी बेस्ट ऑफ लक।